गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैलकुलस का अगला पढ़ाओ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बोलूं मैं? वैसे टेक्निकली कैलकुलस का हिस्सा नहीं है, फंक्शन के बाद डायरेक्ट जो जिम्मेदारी डाली गई है वो लिमिट के कंधों पे डाली गई। बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आगे वाले चैप्टर्स, हम इसे पहले बीच में घुसा देते हैं आईटीएफ। कई लोग इसे फंक्शन से पहले ही पढ़ा देते हैं, कर वो तो चमत्कार ही है। वैसे फंक्शन से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाना है, वो एक्चुअली उसमें फंक्शन बाद में आता है ना, तो लोग सोचते हैं कि पहले फंक्शन कि ये पहले पढ़ा दें फिर उसके बाद फंक्शन, पता नहीं क्या सोचते हैं भाई। खैर चलिए, इनवर्स फंक्शन का हमने थोड़ी बहुत बात तो करी है ना। अभी तो नाम खुद ही चीख चीख के कह रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन थे, कितने थे हमारे पास, 6 होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके इनवर्स फंक्शन की बात हो रही। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक। तो इनके इनवर्स फंक्शन मतलब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स की बात हो रही है भाई, इनकी बात करेंगे पूरे चैप्टर में हम लोग। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब ये वाले फंक्शन, ये बने किससे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स से बने। इनवर्स फंक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट मुझे पता है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब 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 वो फंक्शन बाइजेक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो, जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है दैट हैज़ टू बी बाइजेक्ट। अगर जैसा मैंने बोला कि ये मेरे फंक्शन जो बने हैं ये मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स से बने हैं, मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छो इन देयर ओरिजिनल डेफिनेशन, ओरिजिनल डेफिनेशन का मतलब होता है डी टू आर, ओरिजिनल डेफिनेशन मीन्स डी टू आर वेर डी इज एंड आर इज रेंज, नहीं ऑल रियल गिल से पे रेंज सारी ऑन टू हो जाएंगे ना फिर चंपू। डी टू आर में डी क्या है, डोमेन, और आर तेज बोल तेज, हाँ ऑल रियल नंबर्स, कोई भी ओरिजिनल डेफिनेशन की बात। तो अगर इस फंक्शन की बात करूं इसकी, क्या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ऑल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन नेचर, इफ दे आर पीरियोडिक इन नेचर दैट मींस इट दे कैन नॉट बी बाइजेक्टिव, वो बाइजेक्टिव तो किसी भी रूप में नहीं हो सकते। क्लियर है क्या, अगर इस फंक्शन को कोई आर टू आर डिफाइन करेगा तो ये फंक्शन क्या बनेगा, वन वन ऑन टू मैनी वन ऑन टू, वन वन इन टू मैनी वन इन टू, मैनी वन मैनी वन मैनी वन अप आंच आंच है इंचे एंच है आन बोले आन, दोनों को कंबाइन कर दिया, ऑनचो और इंचो कमाए आंच आंट कुछ नहीं, मैनी वन इन टू लूटा पीटा भाई साहब, बहुत सारे लोग एक मरे पड़े और कुछ ही लोग यूज हुए, बाकी सब सन्नाटे खाली पड़े हैं। मैनी वन इन टू है, अच्छा इसका ग्राफ देखा मैंने बना के, कुछ इस तरह का ग्राफ है ये वाला पॉइंट पाई बाई टू, ये वाला माइनस पाई बाई टू, ये वाली वैल्यू प्लस वन, ये वाली वैल्यू माइनस वन, ये वाला पॉइंट फाइव, ये वाला पॉइंट थ्री पाई बाई टू, और ये इधर वाला पॉइंट माइनस थ्री पाई बाई टू, और ये माइनस पाई है, ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन बनाने का जो ग्राफ है इनवर्स फंक्शन बनाने का, उसकी भी हम लोग बात कर चुके हैं वैसे,
क्यों देवी, ओरिजिनल फंक्शन के ग्राफ से इनवर्स फंक्शन को ग्राफ कैसे बना सकते हैं? टेक्नोलॉजी किसी फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाने की, अगर मेरे पास फंक्शन का ग्राफ है तो उसके इनवर्स का ग्राफ मैं कैसे ऑप्टेन कर सकता हूँ एक्स और वाई एक्सिस को इंटरचेंज करके? हाउ कैन आई इंटरचेंज एक्स और वाई एक्सिस? इस कर्व को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके पेज को फ्लिप करके देखने पे जो पीछे की साइड बनेगा वो किसका ग्राफ होगा? किसका ग्राफ होगा? जैसे टेक्निकली ये भी कह सकते हैं कि मैंने उसकी मिरर इमेज ली कौन सी लाइन के अबाउट, y इज इक्वल टू x, किसी भी फंक्शन की y इज इक्वल टू x के अंदर मिरर इमेज उसके इनवर्स फंक्शन के ग्राफ को देती है, ये तो देती है, ये तो फिक्स है। चलो ठीक, ये मेरा साइन x का ग्राफ था, चूंकि ये 1:1:2 नहीं है, चूंकि ये बाइजेक्टिव नहीं है, चूंकि ये इन्वर्टिबल नहीं है इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन, तो इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। बट अब तो चैप्टर बनाया तो इन्वर्स तो निकालना ही पड़ती। ठीक है, किसी मैनी वन इन टू फंक्शन को बाय चेंजिंग इट्स डेफिनेशन, डेफिनेशन सिर्फ साइन एक्स नहीं होती, डेफिनेशन में ये भी इंक्लूड होता है कि आपने कहां से कहां पर डिफाइन किया। बाय चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ एनी फंक्शन वी मे चेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ दैट फंक्शन। मुझे इस मैनी वन इन टू को क्या बनाना पड़ेगा? 1:1:2। भाई साहब ऑन टू बनाना देखो बेहद आसान है। अगर मुझे किसी फंक्शन की रेंज पता है, साइन एक्स की रेंज मुझे पता है -1 से 1 होती, अगर मैं इसके डेफिनेशन के कोडोमेन को -1 से 1 बना दूंगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स नाम का जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिव तो कहलाने लग जाएगा है। अब मुझे इसे 1:1 या मैनी 1 भी बनाना है? नहीं बनाना, अरे बनाना है भाई, मुझे इसे 1:1 बनाना है। 1:1 या मैनी 1 क्या होता है? मुझे इसे 1:1 बनाना है, मैनी 1 ही ऑलरेडी है। मैनी वन फंक्शन को 1:1 बनाने के लिए मैंने बहुत बार ये बातें आपको बोली कि ये जो टर्निंग होती है ना, टर्निंग, दिस टर्निंग मेक्स द फंक्शन, दिस टर्निंग मेक्स द फंक्शन, तो टर्निंग से काट दो भाई साहब, जहां से टर्न हो रहा है वहीं से काट दो। तो मैंने एक विंडो बनाई, व्हाट इज दिस विंडो अबाउट? दिस इज माय ऑब्जर्वेशन इंटरवल, मतलब मैं इतना ही देख पा रहा हूं बस, मुझे -π/2 से π/2 के बीच में ही देखना है, बस इतना सा देखना है, इतना सा, समझ रहे हो क्या है? इसे बोलते हैं कर्टेलिंग द डोमेन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। मैंने इसका डोमेन कर्टेल कर दिया, इतना सा बना दिया बस। अगर मैं बोलूं कि भाई साहब मैं तो सिर्फ -π/2 to π/2 ही डालूंगा साइन एक्स में, तो क्या ये फंक्शन 1:1 बन जाएगा? जल्दी बोलो, क्या ये फंक्शन ऑन टू बन जाएगा? है -π/2 से π/2 साइन एक्स के लिए एक ऐसा इंटरवल है जिसमें -1 से 1 तक की वैल्यूज ली गई है, हैं? -1 से 1 तक की सारी वैल्यूज ले ली गई है, करेक्ट है? नहीं है। दिस स्टेटमेंट मेक्स दिस फंक्शन फिर से सुन, -π/2 से π/2 के बीच में साइन एक्स नामक एक फंक्शन ने -1 से +1 तक की सभी वैल्यूज ली है। दिस स्टेटमेंट मेक्स दिस फंक्शन ऑन टू। -π/2 से π/2 के बीच में साइन एक्स नाम के फंक्शन ने -1 से 1 तक की सभी वैल्यूज सिर्फ एक ही बार ली है। दिस मेक्स दिस फंक्शन 1:1। स्टेटमेंट की खूबसूरती को तो समझो भाई, दो बातें बोली अलग अलग, सही है? चूंकि दोनों है इसलिए ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है क्या? और अगर ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है तो फिर ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है और इसका इन्वर्स डिफाइन किया जा सकता है, सही है? इसका जो इन्वर्स डिफाइन होगा, इसका जो इन्वर्स डिफाइन होगा शमन जी, वो कहाँ से कहाँ पर डिफाइन होगा? ट्राई -1 to 1 2। अब गेली पलटेंगे तो सही से कम है। इस ओरिजिनल फंक्शन का आउटपुट कौन है? -1 से
तो ये इस इनवर्स फंक्शन के लिए किसका काम करेगा? इनपुट, और जो इसका इनपुट लिया हमने माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, वो इसका आउटपुट का काम करेगा, है? अच्छा, इसकी इनवर्स फंक्शन को क्या लिखा जाएगा भाई, जल्दी बोलो यार, साइन इनवर्स एक्स, ये इसका इनवर्स फंक्शन, ये मेरा ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये मेरा ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एंगल लिया करते थे और वैल्यूज दिया करते थे, 30 डिग्री ली हाफ दे दिया, नहीं समझ आ रहा है? ये इनवर्स उल्टा है, उल्टा है, ये वैल्यूज लेते हैं और एंगल देते हैं, जैसे किसी ने कहा, सपोज किसी ने मेरे से साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू पूछी, थोड़ी देर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, सही है, उल्टा अलग चीज पूछ रहे भाई, पहले साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछते थे लोग बाग, ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें वो एंगल पूछ रहे जिसके साइन की वैल्यू हाफ होती है, हैं? इसमें आंसर वो एंगल है जिसके साइन की वैल्यू हाफ, आंसर आंसर पाई बाय सिक्स, बिछड़ जाए कहीं हम मगर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सॉल्व फॉर थीटा था क्वेश्चन, सॉल्व फॉर थीटा, ये उन दिनों की बात है जब मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया और वो क्वेश्चन ये था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सॉल्व फॉर थीटा था वो क्वेश्चन, ये इस पेज पे भी जितनी चीजें लिखी जाएगी ना उसमें सब खत्म हो जाएगा आईटीएफ, और यही आईटीएफ है, शहर भर में जाओगे तो लोग आपको बोलेंगे 40-45 फॉर्मूले रट लो, उससे कुछ नहीं होगा भाई, सब जिंदगी में एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मैं तो कह रहा हूँ इस पर्दे पे जो चीज कराई जाएगी वो समझ लो सब खत्म, वन टाइम इन्वेस्टमेंट चैप्टर, आपके पूरे सिलेबस का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है इन्वेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबसे इंटरेस्टिंग, क्या इंटरेस्टिंग है भाई, ये साइन थीटा बराबर हाफ और थीटा बराबर साइन इनवर्स हाफ, सॉल्व फॉर थीटा, थीटा की वैल्यू पूछी, आंसर बोलो, पाई बाय सिक्स सुनाई में आया, उसके आगे आप क्या बोलना चाहते थे नहीं समझ में आया, पाई बाय सिक्स, तो फिर वो आगे फैंसी गिरी क्या जोड़ रही थी, हाँ गुड, पाई माइनस पाई बाय सिक्स भी आएगा और टू पाई प्लस पाई बाय सिक्स, एक्सीलेंट आंसर, साइन थीटा बराबर हाफ, आंसर पे कुछ कमेंट कर सकते हैं, इंग्लिश में वैल्यूज ऑफ थीटा हूज साइन वैल्यू इज हाफ, पाई माइनस पाई बाय सिक्स, एक्सीलेंट, ये बावली, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू दी पावर एन पाई बाय सिक्स, विच इज नोन एज जनरलाइज सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, नहीं गलत है, इस इक्वेशन में आंसर पूछा थीटा की वैल्यू, सिर्फ एक आई पाई बाय सिक्स, ओनली वन आंसर, अरे यार ये क्या पागलपंती है, लोग मातम छा गया भाई सब मार्केट में, मार्केट में मातम छा गया, क्यों, यहां साले इनफाइनाइट वैल्यूज है, यहां इनफाइनाइट वैल्यूज, यहां सिर्फ एक वैल्यू, हियर फंक्शन इज प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका आउटपुट क्या बताया गया, हाफ, आउटपुट एक के लिए इनपुट हजारों हो सकते हैं, एक आउटपुट के लिए इनपुट हजारों हो सकते हैं भाई साहब, ये तो वैलिड था फंक्शन की डेफिनेशन के लिए, इट्स वैलिड, नाउ दिस इज एन इनवर्स फंक्शन, ये किसी का इनवर्स है, किसका, साइन का, है ना, इट्स इसका इनपुट कितना है, इनपुट कितना है, इनपुट कितना है भाई साहब, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं आ सकता, इनपुट अगर हाफ है तो
तो इसका एक से ज्यादा आउटपुट नहीं आ सकता, वैलिड ही नहीं है, फंक्शन मानने से मना कर देंगे लोग बाग, गलत बात है। इसीलिए तो बाइजेक्टिव का कंसेप्ट आया ना भाई, इनवर्स हम सिर्फ तभी डिफाइन कर पाएंगे जब मेरा ओरिजिनल फंक्शन बाइजेक्टिव। इसे बाइजेक्टिव बनाने के लिए मैंने विंडो बनाई कि मैं तो तुम्हें ही देखूंगा भाई साहब, समझ आया नहीं आया है? इस फंक्शन को डिफाइन किया गया और डिक्लेयर कर दिया गया क्या कि साइन इनवर्स एक्स का आंसर विश्व के किसी भी कोने में माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में ही दिया जाएगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में ही साइन इनवर्स एक्स के आंसर एक्सेप्ट करे जाएंगे। तो साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू बोली गई पाई बाय से, इस इंटरवल में आ रहे ना भाई, समझ रहे हो क्या? सपोज करो किसी ने अगर मेरे से साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय टू की वैल्यू पूछ ली, साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय टू, मुझे दो तीन चीजें समझने की होती है, इससे ज्यादा नहीं। ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू कौन कौन से इंटरवल है, कौन कौन से क्वाड्रेंट है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ, पक्की बात है भाई साहब? इतना रीजन कवर किया है इसने, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आंसर देता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आंसर देता है, क्लियर है नहीं है? अरे क्लियर है नहीं है। अच्छा सर, माइनस रूट थ्री बाई टू, साइन इनवर्स मतलब साइन की वैल्यू माइनस रूट थ्री बाई टू इस और इस क्वाड्रेंट में से किस में होगी, फोर्थ में। आंसर निकालने का तरीका भी तो है, फोर्थ क्वाड्रेंट, रूट थ्री बाई टू इज माई बाप, रूट थ्री बाई टू 60 डिग्री पे होता है, किस पे होता है, किस पे होता है, 60 डिग्री पे, सही है? 60 मतलब पाई बाई थ्री, 60 मतलब, 60 मतलब, किसी ने पूछा भाई साहब फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई बाई थ्री कैसे लिखा जाता है, हमने बोला माइनस पाई बाई थ्री लिखा जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल माइनस पाई बाई थ्री, सो आंसर इज माइनस पाई बाई थ्री, वो एंगल जिसके साइन की वैल्यू माइनस रूट थ्री बाई टू हो, पहली बात। दूसरी बात, वो एंगल निश्चित रूप से इसके अंदर होना चाहिए भाई, कोई भी एंगल आंसर में नहीं दे सकता हूँ, वो एंगल इसी इंटरवल में होगा तो एक्सेप्ट किया जाएगा, क्लियर है नहीं है? अरे क्लियर है नहीं है? अब बात आती है समाज की, जो लोग हैं वो तो बचपन से जिज्ञासु लालची प्रवृत्ति के रहे हैं, उन्होंने इसे देखा, उन्होंने बोला भाई साहब तुमने विंडो बनाई बड़ी खूबसूरत है, फंक्शन वन वन ऑन टू हो गया बहुत ही अच्छी बात है, फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया बहुत बढ़िया, तुमने उसका इन्वर्स भी निकाल दिया और बढ़िया, और तुम आंसर भी दिए जा रहे हो अल्टीमेट, समझना। मगर एक समस्या है, क्या कि साला तुमने यही विंडो क्यों बनाई? वैलिड क्वेश्चन है, बहुत वैलिड, इसे कहते हैं कंसेप्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट पे आएगा तो लोग हिल जाएंगे भाई साहब, खत्म हो जाएगा, त्राही त्राही मच जाएगी पूरी दुनिया में, सही बता रहा हूं, कंसेप्ट बेस्ड अगर क्वेश्चन आए, ये विंडो बनाई ठीक है एक्सेप्टेड, लेकिन क्या ये नहीं बना सकते थे? समाज ढेंचू किया, इट्स अ वैलिड ढेंचू भाई, इट्स नॉट इनवैलिड ढेंचू, इट्स वैलिड ढेंचू, क्या क्या इस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? हैं? अगर कोई इस फंक्शन को पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू डिफाइन करें और माइनस वन से वन में डिफाइन करें, फंक्शन वही है, कौन सा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, क्या बोलता है इसका क्लासिफिकेशन क्या है इस इंटरवल में, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, जल्दी यार फास्ट फास्ट, वन वन और ऑन टू सी। इनवर्स फंक्शन के लिए कंडीशन ये है कि मेरा फंक्शन वन वन ऑन टू होना चाहिए, उसका इनवर्स डेफिनेटली डिफाइन होगा भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और किसी ने एफ इनवर्स एक्स डिफाइन कर दिया क्या, साइन इनवर्स एक्स, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और मेरे से उस दिन फिर से किसी ने वैल्यू पूछी क्या, साइन इनवर्स हाफ की, अब आंसर क्या आएगा, ट्राई करो। मिकी माउस इज सेइंग 5π/6, उसने नहीं कहा ऐसा, मैंने भी सुना लेकिन दिल में उसका यही था 5π/6। अब तो भाई साहब पानी सर से ऊपर निकल चुका था, कह रहे पागल समझ रखा है कि हम लोगों को,
यहाँ साले तूने बोला पाई बाई सिक्स, किसी तरह से डाइजेस्ट कर रहे थे तूने, यहाँ डाइजेस्ट पाई पाई बाई सिक्स कर दिया। मास्टर को लोग गाली दे रहे थे ऐसा, क्या यार पागल है तू तो बिल्कुल छोटू, गाली नहीं दे रहा, सही है सब है पक्का? कितने लोगों को बात समझ में आई कि यहाँ और यहाँ के आंसर में डिफरेंस क्यों आया, समझ गया? यहाँ आंसर फाइव बाई सिक्स दिया, यहाँ आंसर फाइव बाई सिक्स। अभी साला हम लोग चिल्ला रहे थे कि साइन इनवर्स एक फंक्शन है, एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं दे सकता, फिर बट हमने इनकी डेफिनेशन अलग अलग रखी। सही है, यहाँ ये फंक्शन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में डिफाइंड था, यहाँ ये फंक्शन पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के अंदर डिफाइन होगा, इसका आउटपुट इसके अंदर आना चाहिए भाई। ये कौन कौन से इंटरवल है और कौन कौन से क्वाड्रेंट है, सॉरी ये सेकेंड और, तो सेकंड और थर्ड में से जब पूछा गया कि भाई साहब साइन इनवर्स की वैल्यू हाफ कौन से क्वाड्रेंट में हो सकती है, मैंने बोला सेकंड में हो सकती है। किसमें हो सकती है? सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री का जो एंगल है उसे 150 डिग्री बोला जाता है। 11th क्लास की चीज है भाई, पाई बाय सिक्स को फाइव, पाई माइनस पाई बाय सिक्स लिखा जाता है, दैट इज फाइव पाई बाय सिक्स। समझ रहे हैं क्या? अरे समझ रहे हैं, अब सुनिए ध्यान से। अब ये तो वही वाली बात हो गई, पीरियोडिसिटी वाली। साला साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, हाँ 4 पाई, हाँ अरे 4 पाई पीरियड है, हाँ है, क्योंकि पीरियड एक ऐसा नंबर है जो उसके आर्गुमेंट में ऐड कर देने पर अगर फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करता है तो उसे पीरियड बोलते हैं। तो सिर्फ 2 पाई ऐड करने पे ही थोड़ी रिपीट करता है, 4 पाई रिपीट ऐड करने पे भी रिपीट करता है भाई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये वही वाली बात हो गई है, देयर मस्ट बी सम स्टैंडर्डाइजेशन। भाई साहब किसी ना किसी लेवल तक तो आपको चीज को स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, जिससे हर किसी से जब साइन वर्स आप पूछा जाए तो एक ही आंसर आए। वो आपसे ये ना पूछा जाए, वो आपसे ये ना पूछे कि भाई साहब डिफाइन कहाँ से कहाँ पे किए, कुछ तो स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा ना। अरे आप किसी भी पाई की ब्रैकेट बना लो, मैं इधर वाले पाई में भी बना लेता ना, तब भी कोई मना नहीं कर सकता था मेरे को, क्योंकि मुझे तो उसे 1 1 2 बनाना है, सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर दी गई एक नई चीज जिसे नाम दिया गया पीवीआर, सिनेमाज नहीं डुक्कन, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये वाली विंडो कौन सी? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू को डिफाइन किया गया पीवीआर, नया नाम प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ठीक है, ये है ये भी, लेकिन इसे देने के लिए या इसके अंदर आंसर देने के लिए क्वेश्चन वाले को स्पेशली साइन एक्स को अलग से डिफाइन करके देना पड़ेगा कि इफ माय फंक्शन साइन एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, तब साइन इनवर्स एक्स का लॉजिक अलग हो गए भाई साहब। तब सारे जितने फॉर्मूले हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे आईटीएफ के अंदर, वो सब बदल जाएंगे, सब सब के सब A to Z सारे फॉर्मूले बदल जाएंगे। क्यों? अरे भाई साहब पीवीआर बदल गई, गेम पूरा इस चैप्टर का बेस्ड ओनली ऑन पीवीआर। जिसे पीवीआर और डोमेन का कंसेप्ट समझ में आ गया वो कभी आईटीएफ का क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, नेवर। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल सी, और जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वाला जो सेगमेंट है उसमें साइन एक्स इंक्रीजिंग कैटेगरी का फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीज चढ़ता हुआ है भाई साहब, किसी इनिक्विटी को ऑपरेट कर दोगे तो इनिक्विटी की साइन चेंज नहीं होगी। पढ़ा है भाई साहब हमने एक चीज, जबकि पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू में यही फंक्शन डिक्रीजिंग कैटेगरी का है, इसका नेचर डिक्रीजिंग है। सही है, क्या फर्क पड़ेगा? किसी इनिक्विटी को ऑपरेट कर दोगे इनिक्विटी की साइन चेंज जाएंगे, छोटा सा डिफरेंस है। और भी आएंगे क्यों? ये फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के आंसर है, ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के आंसर, क्वाड्रेंट अलग अलग है भाई। समझो है, इस केस में साइन इनवर्स के आंसर अलग क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इस केस में साइन इनवर्स के आंसर अलग क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट इन्वॉल्व किया गया है। अब तक तो सांसें आ रही है, ठीक। तो अभी तक तो इस पर्दे पे मेरे को एक दो बातें समझ में आई। पहली, मेरे प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने के लिए मुझे डोमेन और कोडोमेन कर्टेल करने पड़ेंगे। डोमेन और कोडोमेन मैंने इस तरीके से कटेल किए कि मेरा फंक्शन एक बाइजेक्टिव बन पाए। मैंने देखा कि मेरे फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाने के लिए डोमेन को कटेल करने के अलग अलग रास्ते थे, कोडोमेन
डोमेन के लिए तो एक ही है भाई साहब, रेंज के बराबर करोगे, लेकिन डोमेन को क्योंकि ये फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं और बार बार सेम वैल्यूज लेते हैं, सही है, इसलिए मैंने देखा कि मेरे पास डोमेन के लिए अलग अलग रास्ते हैं कटेल करने के। अरे इस पाई के ब्रैकेट में, इस पाई के ब्रैकेट में, इस पाई के ब्रैकेट में, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए एक चीज दी गई, दैट इज कॉल्ड पीवीआर, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, जो कि हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एक फिक्स दी जाएगी, पाई का ब्रैकेट भाई सब इतना ही है, इतने में डिफाइन करना है स्टैंडर्ड बनाने के लिए। डज नॉट इम्प्लाइज या डज नॉट मीन कि किसी और इंटरवल में डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, हम ये नहीं कह रहे, स्टैंडर्डाइजेशन बनाने के लिए पीवीआर बनाया गया। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है साहब। तो मेन स्टोरी लाइन जो टिकी हुई है पूरे चैप्टर की, वो टिकी है पीवीआर। तो पीवीआर की बात करते हैं।